हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आइए फुल रिपोर्ट देखते हैं प्रोटेस्ट की। आज बैंक के बाहर खड़े हैं, तो हमारा मसला ये है कि 2019 अक्टूबर में हमारे फॉर्म लगे थे और 2020 जनवरी में हमारी यो रनिंग हो गई थी। उससे लेकर आज तक ये वेरिफिकेशन ही करते आ रहे हैं। ये कौन सी वेरिफिकेशन है हम लोगों की? हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे आना। हम भी जेकेपी में ही जाना चाहते हैं और उन्हीं के आगे आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम भी मजबूर हैं इस सब के लिए। हमें भी अच्छा नहीं लगता। क्या लग रहा है आपको, वजह क्या है? वजह ये है कि ये रिटर्न नहीं ले रहे, बार बार वेरिफिकेशन। और इनकी वेरिफिकेशन क्या है कि बस एक पेज पे नाम लिखते हैं, कुछ नहीं करते हैं और कास्ट सर्टिफिकेट दे दिया। बस तीन चार बार इन लोगों ने ऐसा कर दिया। कहाँ रखते हैं वो पेज, गुम कर देते हैं, फिर से वेरिफिकेशन करो। तो हमारा जो, मैं यही कहूंगी, जो हमारे ADGP हैं, चेयरमैन है, DGP हैं, तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि 2-3 दिन के अंदर हमारी डेट फिक्स करो एग्जाम की, और विद इन नवम्बर तो हमारा जो रिटर्न है इसे कम्प्लीट करो। हम और कुछ नहीं चाहते। मैं इस वक्त गांधीनगर में हूँ और मेरे साथ इस वक्त पीछे आप ये जो बच्चों की भीड़ देख रहे हैं, ये बच्चे JNK पुलिस बॉर्डर बटालियन के बच्चे हैं, जिन्होंने एक स्पेशल पैकेज के अंडर, बॉर्डर बटालियन के अंडर जो है वो रिक्रूटमेंट के लिए अप्लाई किया था। आज ये लोग पुलिस लाइन के हेडक्वार्टर्स के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। क्या है इनका मुद्दा, क्या है इनका मसला, क्या वजह होगी कि आज इनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है, आइए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अल्ताफ सांबा सिंह। अच्छा, क्या मुद्दा है आपका? हमारी ये बॉर्डर बटालियन है, ये 2019 में हमारी नोटिफिकेशन निकली थी और 2019 में ही फॉर्म लगे थे। ठीक है। उसके बाद 2021 में जनवरी हमारा फिजिकल हो गया, तो गर्ल्स का तो शायद एक एयर हो गया हुए हुए। ठीक है। उसके बाद अभी तक हमें सिर्फ बताया जा रहा है कि हमें 8 महीने हो गए और लड़की में तो 2.5-3 साल हो गए, सबको मैक्सिमम लगे 3 साल हो गए हमें। हमारा अभी तक कोई भी प्रोसीजर आगे बढ़ नहीं रहा है। ये किसी स्पेशल पैकेज के अंदर आपको? बॉर्डर बटालियन, वुमेन बटालियन और बॉर्डर बटालियन। किस साल में ये अनाउंस हुआ था? 2019 में। अच्छा। राजनाथ सिंह आए थे स्पेशल। अच्छा। उन्होंने हमें स्पेशली दिया था, जो भी बत्ती हमारी हो रही है। अच्छा, तो लड़कियों ने भी इसी पैकेज के अंदर? जी, इसी पैकेज के अंदर इन्होंने अप्लाई किया था और फिजिकल हुआ हमारा, तो उसके बाद बॉयज का भी होगा, गर्ल्स का होगा, सबका हो गया। उसके बाद फिर बस रिटर्न की हमें सिर्फ डेट बताई जा रही है, बस कभी कभी कोई डेट, कभी कोई डेट, कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। बड़ी वाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम करवा चुके हैं, काफ़ी बार आए लड़के सब ने, अब सब कुछ हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी सिर्फ डिमांड है, हम प्रोटेस्ट करने नहीं आए, हम पीसफुली सिर्फ उन तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं कि हमारा बस रिटर्न करवाया जाए। लड़कियों का भी, लड़कियों के एज निकली जा रही है सबकी, गर्ल्स की, बॉयज़ की। कुछ गर्ल्स हैं जिनकी 2.5-3 साल हो गए, कुछ की मैरिज होगी, कुछ चली गए, कुछ अभी आ नहीं सकते, दूर दूर से आए हैं। हमारी बस यही डिमांड है कि हमारा बस 15 नवंबर से पहले पहले वहां तक हमारा रिटर्न लिया जाए। हम फिजिकल हुए कितना वक्त हो गया हुआ है? फिजिकल जो आपका हुआ था? हमारे बॉयज का तो 8 महीने हो गया, गर्ल्स का शायद 1 साल हो गया। अच्छा। जी हाँ, तो एक साल से ज्यादा हो गया। मार्च में हुआ था फिजिकल गर्ल्स का, तो अब मार्च जो है इस साल, तो 1 साल हो गया ना, ऑब्वियसली 1.5 साल हो गया फिजिकल हुए गर्ल्स का, तो उसके बाद रिटर्न का कोई मतलब ये अपडेट नहीं दे रहे हैं हमें। एक बार अपडेट आई थी अगस्त में अपडेट आई थी 2021। हाँ जी 21 में, और अब वो जस्ट टेंटेटिव डेट आई थी और ऑफिशियली कुछ भी नहीं ये बताया उन्होंने, और ना ही आगे कुछ कर रहे हैं। स्लो प्रोसेस, बहुत स्लो है इनका। हम यही चाहते हैं बस, हम कोई प्रोटेस्ट करने नहीं आए, किसी को हम कोई दंगे फसाद कुछ भी नहीं करने आए हैं, बस हम ये बोलना चाहते हैं कि अपनी डिमांड रखना चाहते हैं पीसफुली, कि हमारी जो डिमांड है कि हमारा रिटर्न जो जल्दी से जल्दी कंडक्ट किया जाए 15 नवंबर से, क्योंकि उसके बाद जो है वो स्नोफॉल हो जाएगा कश्मीर में, तो रिटर्न जो है कश्मीर और इनका हमारा जम्मू वालों का वो एक ही दिन होगा, एक ही मतलब वो उसमें होगा, तो उसके बाद जब स्नोफॉल हो जाएगा फिर मार्च पड़ जाएगा फिर से। आपने इस मुद्दे पर कंसर्न अथॉरिटी से बात करने की कोशिश की, पूछा उनसे कि क्या वजह है जो इतना लेट किया जा रहा है? नहीं, अभी कोई नहीं की हमने, बस हमने एक बार सोचा कि हम जो है मीडिया के थ्रू हम जो बात रखना चाहते हैं, अदरवाइज हमने अभी कोई नहीं की है। जब अगर नहीं करते हैं ये नवंबर तक, तो उसके बाद हम करेंगे। अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा है? अभी तक इतना आपके हिसाब से ऐसा डिले क्यों हो रहा है? हमें कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चों की रहती है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहता है? जो रहते थे ना वो सब अब कम्प्लीट हो चुका है। अच्छा। हम भी यही पूछना चाहते हैं कि हमें पता ही नहीं इस बात का कि क्यों नहीं हो रहा है। हम आपके माध्यम से उन तक यही बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा रिटर्न क्यों नहीं करवाया जा रहा। अगर ये नहीं करेंगे रिटर्न, अभी तो हम पीसफुली इनको सिर्फ बता रहे हैं, इन तक सिर्फ अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि हमारा क्या मसला है, हमारा मसला ये सॉल्व कर दें, हमारा रिटर्न
करवा लें, बाकी और कोई मसला नहीं है। जब स्पेशल पैकेज आपके लिए अनाउंस हुआ था उसके अंदर क्या क्या दिया हुआ था कि कितने वक्त के बाद आपका रिटर्न हो जाएगा, कितनी देर, कितना टाइम लगेगा? फास्ट ट्रैक बताया कि जल्दी हो जाएगा, फास्टली होगा, ये नहीं बताया कब, मतलब कुछ मंथ्स का कुछ बताया था कि ये नहीं बताया था, प्रोसेस आपको प्रोसीजर नहीं बताया था कि इस वक्त तक आपका फिजिकल हो जाएगा, इसके इतने महीने के बाद आपका रिटर्न हो जाएगा? नहीं, हमें कुछ नहीं बताया था, क्योंकि उसके बाद फिर कोविड आ गया ना, हम वो प्रॉब्लम समझे, कोविड आ गया फिर सब कुछ प्रोसीजर चला ही नहीं, जब कोविड तो खत्म हो चुका ना, अब सबके रिटर्न हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, सबके हो रहे हैं, हमारे लिए ही कोविड अटका हुआ, हम यही समझ नहीं आ रहे कि हमारे लिए क्यों है ये। लगभग कितने बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है? इसमें तो 20,000 बच्चे होंगे जो फिजिकल फिट हो चुके हैं। अच्छा। जम्मू डिवीजन और कश्मीर डिवीजन से। अच्छा। जी जी हाँ। आप कहाँ से हैं? हम सांबा से। ये जितने भी बच्चे आए ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट? जी जी हाँ, सब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए, ये डिवीजन जम्मू से ही है, फिर कोई कठुआ डिस्ट्रिक्ट से है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, सांबा डिस्ट्रिक्ट से, सब अलग अलग जगह से यहाँ पे आए हैं कठुआ। हाँ, हमारे से कि हमारा रिटर्न करवा लिया जाए, अगर नहीं होगा तो हम अपना प्रोटेस्ट का जो इसके आगे आगे तक जाएंगे, हम और बढ़ाएंगे, अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया, हम सिर्फ पीसफुली उनको बताना चाहते हैं कि भाई हमारा रिटर्न हो जाए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि डेट अगर डिले हो रही है तो उसकी कोई वजह होगी? आपको ये आपके हिसाब से क्या आपको ये नहीं लगा कि आपको सबसे पहले कंसर्न अथॉरिटी से इस बारे में पूछना चाहिए था कि क्या वजह रही है जो हमारा रिटर्न इतना डिले होता जा रहा है? नहीं, हमें वजह अब वजह चलेगी ना आपके, हमने नहीं पूछा किसी से, हम आपको नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए था एक बार? नहीं, अब पता चल जाएगा ना, अब बता देंगे ना वो क्या होगा, अभी तक हमने किसी से नहीं पूछा, अभी तक हमने किसी से नहीं पूछा। डेढ़ साल हो गए, डेढ़ साल लड़कियों ने वेट किया, 8 महीने लड़कों ने वेट किया, तो पता नहीं क्या वजह है जिस वजह से रिटर्न ले नहीं पा रहे हैं। एज लिमिट क्या है? एज लिमिट है 28। और आपकी क्या उम्र है? मेरी अभी 25 है। तो घर वाले मैम ओवर एज हो जाएगी फिर बाद में, क्या फायदा फिर? लड़कों की क्या एज लिमिट है? 3 साल हो गए ना अभी तक 3 साल हो गए तो एज निकल रही है जब फॉर्म लगे तब 25 थी, अब 28 होगी, कुछ बढ़ रही है, सबकी एज जा रही है, ऐसे निकल रही है, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा रिटर्न लिया जाए। मैम जो ये आप जैसा कि आप जानते हो कि जो नोटिफिकेशन है ये मार्च में निकली थी, तो जब मार्च में निकली तो उसके बाद कोविड की जो आ गया, तो हमने भी गवर्नमेंट की जो कुछ मजबूरियां थी उनको मतलब कि समझा, तो जैसे ही मतलब कि उसके बाद थोड़ी सी सिचुएशन नॉर्मल हुई, फिर दोबारा प्रोसेस शुरू किया गया, धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट किया गया। तो अब जैसे कि लद्दाख में फिर जो फिजिकल जब चल रहा था, वहाँ पे जो बोर्ड के चेयरमैन थे उन्होंने पर्सनली जब वहाँ पे मीडिया थे, कुछ मीडिया कर्मियों ने बोला था कि आप सर कब तक जो प्रोसेस है तो इसको कंप्लीट करोगे, तो उन्होंने बोला था कि हम अगस्त में इसको जो रिटर्न है उसका लास्ट जो वीक है अगस्त का उसमें रिटर्न ले रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा इस अगस्त को बोला था या नेक्स्ट अगस्त को जो बोला था, नेक्स्ट ईयर का जो अगस्त था। तो जब चेयरमैन थे उन्होंने इसको पर्सनली एक्सेप्ट भी किया था कि जो ये नोटिफिकेशन जो ये प्रोसेस है इसमें हम डिले हुआ है, हम भी मान रहे हैं, लेकिन अब जब सिचुएशन नॉर्मल होगी अब तो रिटर्न करवा सकते हैं ना, अब किस चीज़ का वेट किया जा रहा है कि स्नोफॉल हो ताकि रोड वगैरह सब बंद हो, और रोड जब बंद हो जाएंगे तो रिटर्न कैसे होगा फिर? तो हमारी एलजी सर से यही गुजारिश है कि जो भी कंसर्न अथॉरिटी है कि वो हमारे मैटर को देखें और मतलब कि जो रिटर्न है उसको करवाया जाए। तो ये हमारे साथ थे जम्मू कश्मीर पुलिस बॉर्डर बटालियन के बच्चे, जिनका ये कहना था कि 2019 में एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया गया था जिसके अंदर इन सब बच्चों को रिक्रूटमेंट के लिए कहा गया था और इन बच्चों ने अप्लाई किया, उसके बाद इनका फिजिकल हुआ और फिजिकल होने के बाद अब लगभग एक साल से ऊपर हो चुका है पर अभी तक इनका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जा रहा है। बच्चों का यही कहना है कि हमारी एज जो है वो होती जा रही है, ओवर एज हो जाएगी, उसके बाद हम अप्लाई कर नहीं पाएंगे, तो इसीलिए एक सिंपल सी डिमांड ये सरकार के आगे रख रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारा रिटर्न एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर लिया जाए।